हेलो गाइस, इट्स टेक्निकली बीसीडी एंड आई एम मयूर। तो गाइस, जैसे कि हमें पता है कि जब हम सोलर पैनल्स, कई बार ऐसा होता है कि सोलर पैनल्स हम जब लगाते हैं सर्किट्स को, तो सोलर पैनल का वोल्टेज तो सही दिखाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 16.4 वोल्टेज है, राइट। मतलब सोलर पैनल का पूरा आउटपुट एकदम सही है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो जो बैटरी चार्जिंग करंट है 0.065 एम्पियर। तो गाइस, यहाँ पे कुछ सोलर पैनल, जैसे कि ये सोलर पैनल आप देख सकते हो, नोवा कंपनी का ब्रांडेड सोलर पैनल है, तो इसका जो सेल्स लगे हैं सोलर सेल्स, ये पूरे सीरीज कनेक्शंस में लगे। जैसे आप यहाँ से देख सकते हो कि पूरा ये जो सेल्स है यहाँ से कनेक्ट होकर फिर राइट इस तरीके से ये पूरा सीरीज में लगा है। ओके, तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि यहाँ पे पूरा मतलब जो वोल्टेज है सोलर पैनल का वो सही से आ रहा है और सभी चीज़ें सही से वर्क कर रही है, जो बैटरी को वोल्टेज जा रहा है वो भी सही जा रहा है, लेकिन बैटरी चार्ज नहीं हो पाती। तो इसका हम रीज़न देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये सोलर पैनल का अभी जो बैटरी जो है ये वाली, ये चार्जिंग हो रही है और ये कंज्यूम कर रही है 0.6 एम्पियर। ओके, और आपको यहाँ मैं सिंपली दिखा देता हूँ, अगर आपका एक सेल भी अगर एक सीरीज पैरेलल कनेक्शन होता तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सर्किट है वो चार्जिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है बैटरी के, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 0.6 वोल्ट है, सॉरी एम्पियर है। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपली आपको बता देता हूँ, इसकी ये जो सीरीज कनेक्शन है इसका अगर एक सेल को भी आपने मतलब इसको कवर कर लिया, मतलब ढक दिया, तो इसका वोल्टेज जनरेट नहीं कर पाता वो एक सेल, और उसकी वजह से पूरा जो सोलर पैनल का करंट है वो आपको आउटपुट्स में नहीं मिलता। इसका हमने अभी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आप देख सकते हो ये एक सेल है, ठीक है, मैं सिर्फ एक सेल को ढकता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने सिर्फ एक सेल से ढकने से मेरा जो करंट है वो पूरे सोलर पैनल का करंट सिर्फ 0.06 एम्पियर जा रहा है इस बैटरी का, ठीक है, सिर्फ एक सेल को ढकने की वजह से। और जैसे मैं एक सेल से हाथ निकाल देता हूँ तो ये जैसे कि तैसे 0.64 एम्पियर से चार्ज करेगा। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको और सिंपली दिखा देता हूँ कि जो एक करंट है, जब मैं इसको सेल को ऐसे कवर करता हूँ तो अब करंट में ज़्यादा फर्क, मतलब वोल्टेज में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हमें लगता है कि वोल्टेज पूरा आ रहा है, लेकिन जो करंट है आप यहाँ पे देख सकते हो 0.06। ओके, देखिए, मतलब यहाँ पे सिर्फ आपके करंट में फर्क पड़ रहा है, और हमें पता है कि जो भी बैटरी चार्ज होती है हमारी वो सिर्फ मतलब करंट से होती है, ठीक है, जिसमें करंट स्टोर होता है। तो गाइस, इस तरीके से ये सोलर पैनल आपको इश्यू दे सकता है, अगर आप कवर सोलर पैनल यूज कर रहे हो, कोई एक सीरीज वाला सोलर पैनल है और आपका एक सेल भी उसमें कवर हो जाता है जहाँ पे आपकी धूप नहीं गिर रही, तो आपको ये इशू आ सकता है कि आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। तो गाइस, इस तरीके से ये अगर आपको कुछ इशू आता है तो आप ऐसे चेक करके सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।